यार पता नहीं क्या मसला हुआ है, मेरी हो गई है एलसीडी खराब। ठीक है रुको मैं आपको एलसीडी खा दे देना। ये देखो ये पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं खुलवाई थी आई थिंक लास्ट टाइम, गिर गई थी पहले भी तो इसको सेट कराया, अभी ये ख़राब हो रहा है तो इसको अभी जा रहे हैं बनवाने। ठीक है आप लोगों को पता है कि जहाँ से बनवानी है, लेट्स गो। एंड हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्म स्टॉक ऑफिशियल। यार चलता है इसको बनवाते हैं क्योंकि मेरा काम असल में एडिटिंग शेडिंग, आपको पता है मैं सारी एडिटिंग करता हूँ तो इसी एलसीडी पे करता हूँ। 32 इंच की एलसीडी रखी है सिर्फ एडिटिंग के लिए। एंड लेट्स गो चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं, इसको उठा के मैं गाड़ी में रखता हूँ। ठीक है चलो। एंड दूसरी बात यह है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके जाना ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स गो। चलो भाई गैरेज खोलते हैं फिर गाड़ी निकालते हैं, चलते हैं। बुक उठाने गया था, लेट्स गो। चलो चलें। मुझे ये बताओ कि कोई और प्रोफेशनल तरीके से व्लॉगिंग करता हुआ देखा है आप लोगों ने? नहीं। हाँ मैं पूरी एक्यूरेट चीज नहीं दिखाता व्लॉग में कि एक एक चीज एक एक पार्ट एक एक सेटअप। हाँ ये मेरी अंदर खामी है। वो खामी क्यों है? अब भी उस टाइप के व्यूवर्स नहीं आ रहे। सीधी सी बात है, लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं सोचो। भाई ऐसे सोचना पड़ता है, जितनी लंबी वीडियो होती है ना और उस पर जितना मेहनत और काम लगता है, जितनी एडिटिंग, मैं अगर 5 मिनट का व्लॉग भी बनाता हूँ ना तो उस पर मुझे 1 घंटा लग जाता है सिर्फ एडिट करते, उसका थंबनेल सोचते, उसका टाइटल सोचते, एंड देन उसको अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद उसको देखना होता है कि भाई कितना टाइम लगा रही है, कोई कॉपीराइट म्यूजिक तो नहीं आ गया। बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो आप देखने वाला नहीं समझता इन चीज़ों को। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह देखो कामयाबी मिलेगी। इतना अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ना, एक वक्त आएगा अभी भी मैं लॉन्ग वीडियोस भी डालूंगा। ठीक है फिर प्रोफेशनल तरीके से चलेंगे, बस एक बार वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाए। चलो चलें, गैरेज ऑफ हो गया, लेट्स गो। ए फ्यू मिनट्स लेटर। भाई एलसीडी बनवाने आए हैं बट इसका मसला ये है कि 1 दिन लगेगा। कल इंशाल्लाह इसको उठाएंगे, रिपेयर होने के लिए दे दिए, देखते हैं कल का क्या सीन बनता है। कल उठाने भी आएंगे, आई थिंक मैं नहीं आऊँगा, अबू आएंगे क्योंकि मैंने बेहोश होना है, सुबह आना है। लेट्स गो अभी गाड़ी पे चलते हैं, कंप्यूटर वाले के पास चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं कभी कब उन्होंने कहा था कंप्यूटर देंगे, बट कब देना है ये नहीं पता। उन्होंने कहा था कल तक का मिल जाएगा, चलो पता करते हैं उनसे। भाई बात है ऐसी, हम जहाँ एलसीडी देने गए थे वहाँ हम वहाँ से उठाए हैं, किसी और के पास हैं, जानने वाला उसकी कॉल है कि भाई मैं सेट कर देता हूँ। सो वो मतलब जानने वाला था आई थिंक अबू का, बट उस टाइप का ट्रस्ट नहीं था जो एक बात होती है। इससे ये है कि भाई ये हमारा बंदा जानने वाला खास है तो इससे पता करते हैं। भाई एलसीडी उठा ली है, देखो एलसीडी उठा ली है, चलो अब 15 मिनट्स लेटर। भाई इनके पास जो आया हूँ ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाई एलसीडी दिखा दो, बट मैंने कहा जो टाइम है ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आज फिर एलसीडी नहीं बनवाते। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि एलसीडी को साथ बैठ कर बनवानी पड़ती है और मेरे पास अभी एक ही एलसीडी है, इसकी मैंने केयर करनी है, देखभाल के बनवाना है। अक्सर अवकात वो दो नंबरी हो जाती चीज़ें उठा ली जाती हैं उसमें से, जो कि मैं नहीं करना चाहता। अब वो मार्केट छोड़ के जा रहा हूँ मैं अशर के पास उधर ही। एंड बात असल कहने का मकसद ये है कि आप अपनी चीज़ों के एहतियात करो, ठीक है। यहाँ पर इतना बड़ा शहर नहीं है और जो भी कहूँ बस छोड़ो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक। देखो गर्मी भी हो रही है, डिप्रेशन भी हो रही है, और ये अंधी का पुत्र पैन दी सीरी बाइक आगे एकदम से गुजार के मरता खुद और गाड़ी के नुकसान में होता। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके जाना ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, अल्लाह हाफिज़।